हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फॉर्म नंबर INC 20A के बारे में। सो बेसिकली फॉर्म 20A के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले क्या होता था, पहले इन द सेंस कि 2 नवंबर 2018 से पहले, सो 2 नवंबर 2018 से पहले क्या होता था, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर ली तो अलग से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ROC को फॉर्म फाइल नहीं करना होता था। जस्ट आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड की एंड उसके बाद अकाउंट ओपन करा के आप बिजनेस कर सकते थे, राइट। सो 2 नवंबर 2018 के या उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म निकाला, फॉर्म INC 20A, एंड बोला कि जो भी कंपनी 2 नवंबर 2018 या उसके बाद रजिस्टर्ड होंगी प्राइवेट लिमिटेड, उनको बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फॉर्म INC 20A फाइल करना है ROC को। जब ये फाइल हो जाएगा उसी के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी से लोन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। सो ये फॉर्म बेसिकली मैंडेटरी नेचर का है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद, राइट। सो अगर मैं इस फॉर्म की बात करूँ तो इस फॉर्म में बेसिकली दो प्रोविज़न आपको याद करने होंगे, Section 10A, Subsection 1, Subsection A, एंड दूसरा है Rule 23A, जिनको आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, राइट। सो अगर इस फॉर्म की बात करूँ, जैसे ये डिक्लेरेशन है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। एंड इस फॉर्म के फिल करने की बात करूँ तो इसमें कंपनी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना होता है। आप प्रीफिल करेंगे तो प्रीफिल करने के बाद कंपनी का नेम यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा एंड कंपनी का एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी आपको कंपनी की डालनी है यहाँ पर। एंड इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का नेचर इस टाइप का है जहाँ RBI या फिर NBFC एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है तो आपको दूसरे अप्रूवल भी लगाने होते हैं, जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDAI की परमिशन लेनी होती है। तो इस टाइप का आपका कोई बिजनेस है जो बिजनेस कमेंस करने से पहले आपको दूसरे सेक्टर से परमिशन लेनी है तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना होगा। इन केस कोई परमिशन नहीं चाहिए तो आपको नो पे टिक करना है, राइट। एंड इसमें देखिए अटैचमेंट की मैं बात करूँ तो सिंपल है, सब्सक्राइबर प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है बेसिकली बैंक स्टेटमेंट। सो आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है एंड मेक श्योर कि बैंक स्टेटमेंट में जो भी आपके शेयर एप्लीकेशन मनी है, जो भी आपका मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में कमिट हुआ था कि कौन कितना परसेंट कैपिटल ऑन करेगा, वो उसी परसेंटेज में अमाउंट डिपॉजिट करेगा बैंक में, ठीक है। तो वो सभी से डिपॉजिट की एंट्री होनी चाहिए एंड वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अटैच करनी है। सेकंड देखिए, ये मैंडेटरी नेचर की अटैचमेंट नहीं है। अगर आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है ये वाला पार्ट तो उस केस में आपको सेकंड नंबर पे भी अटैचमेंट लेनी होगी, ठीक है। ये अटैचमेंट बेसिक क्या है, RBI की अप्रूवल हो गई, ठीक है, या फिर आपकी दूसरा IRDAI हो गया, या कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है जैसे थर्ड और किसी सेकंड सेक्टर से आपको परमिशन चाहिए तो वो परमिशन भी अटैच करनी होगी, राइट। ये अटैच करने के बाद आप यहाँ पे अपना रिजोल्यूशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी इस फील्ड में, आपकी रिजोल्यूशन डेट। एंड मेक श्योर देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है ये इसके रिगार्डिंग डायरेक्टर को फिर यहाँ पे साइन करना है DSC से एंड यहाँ पे DIN नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक या तो आप CA से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, तीनों से में से किसी एक से आप इस फॉर्म को सर्टिफाई करा सकते हैं, राइट। सो उसकी डिटेल ये यहाँ पे फिल हो जाएंगी, SSIT या फेलो है उनका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वो भी यहाँ पे अपने DSC लगाएंगे प्रोफेशनल, ठीक है। एंड उसके बाद चेक फॉर्म पे क्लिक करके इस फॉर्म को फाइल किया जा सकता है, राइट। सो फॉर्म तो बहुत सिंपल है, ये जस्ट बहुत बेसिक डिटेल जानी है इसमें, कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ऑल। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा अगर कोई अप्रूवल है तो वो अप्रूवल भी साथ में अटैच करेंगे। अब आते हैं इसके के रूल के रिगार्डिंग, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि Section 10A एंड Rule 23A दो सेक्शन आपको पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। सो अगर मैं Section 10A की बात करूँ तो Section 10A में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी और ना ही कोई लोन का ट्रांजैक्शन करेगी जब कब तक, जब तक कि वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर देती है। डिक्लेरेशन कौन सा हो गया, ये फॉर्म INC 20A। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि जब तक कि आप फॉर्म INC 20A फाइल नहीं करोगे तब तक कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती, ना ही कोई लोन का ट्रांजेक्शन कर सकती है, ठीक है। एंड ये डिक्लेरेशन जो ये फॉर्म जा रहा है डिक्लेरेशन के फॉर्म में, इसको जो फाइल करना होता है ये फाइल करना है विद इन 180 डेज, मतलब 180 दिन के अंदर फाइल करना है आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसके रजिस्ट्रेशन के 180 डेज के अंदर आपको फॉर्म INC 20A फाइल करना है, राइट। एंड ये फॉर्म बेसिकली जो फाइल होगा इसमें मेक श्योर कि जो भी आपका सब्सक्राइबर थे मतलब शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने शेयर्स का पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में कर दिया है, राइट। सो जिस भी डेट को आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं डेट ऑफ फाइलिंग उस डेट को ये चेक किया जाता है कि बैंक में पैसा आ गया है या नहीं जो शेयर होल्डर ने कमिट किया था, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट में उस दिन आप चेक कर लेंगे सारा पैसा आ गया शेयर कैपिटल का, तो आप ऑनलाइन ये डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसेक्शन ए, 10A सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन ए, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें सबसेक्शन सेकंड बोलता है कि इन केस कंपनी ने डिफॉल्ट किया फाइल करने में, ठीक है, तो उस पर क्या होगा 50,000 की पेनल्टी लग सकती है कंपनी पे, 50,000 की पेनल्टी लग सकती है अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है। ये तो कंपनी पे पेनल्टी है बेसिकली। इसके अलावा एवरी ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट में होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा 1,000 रुपीज पर डे की, 1,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी एडिशनल होगी। एंड ये मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक जा सकती है। तो इट मीन्स इन केस कंपनी ने डिफॉल्ट किया इस फॉर्म को फाइल करने में तो कंपनी पे मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी, एंड जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा मतलब डायरेक्टर जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ उसको 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 1,00,000 तक पेनल्टी उन डायरेक्टर पे लग सकती है या ऑफिसर पे लग सकती है, राइट। सो ये बेसिकली डिफॉल्ट के केस में है। थर्ड इसमें सबसेक्शन बोलते हैं, देखिए अगर कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हैं आप, ठीक है, एंड रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है तो वो आपके बिजनेस को बेस का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा सकता है, ठीक है। तो इट मींस आपको क्या करना है, सबसेक्शन 1 तो बोलता है कि आपको फॉर्म फाइल करना है विद इन 180 डेज, एंड सबसेक्शन 2 बोलता है इनकेस आपने नहीं डिफॉल्ट किया कंपनी ने तो कंपनी पे 50,000 की पेनल्टी, एंड जो डायरेक्टर होगा उस पर 1,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेंगी एंड मैक्सिमम 1,00,000 तक लग सकती है। एंड थर्ड सबसेक्शन इसमें बोलता है कि अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया एंड रजिस्ट्रार के पास रीज़न टू बिलीव है कि आपकी कंपनी में काम नहीं हो रहा है बिजनेस नहीं हो रहा है तो आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा सकता है एंड कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, राइट। देखिए रूल 23A की अगर मैं बात करूं तो रूल 23A ये बोलते हैं कि जस्ट जो भी फॉर्म फाइल होगा INC 20A वो बेसिकली किसी एक प्रोफेशनल से वेरीफाई कराना है आपको। वो कौन प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से हो सकता है, ठीक है। सो आपको जो फॉर्म फाइल करना है वो डायरेक्टर फाइल करेंगे एंड वेरीफिकेशन कौन करेंगे, कोई एक प्रोफेशनल। एंड इन केस आपको किसी सेक्टोरियल रेगुलेटर से परमिशन लेनी थी तो साथ में वो परमिशन भी आपको लगानी है, ठीक है। आई होप ये आपको लीगल प्रोविजन समझ आए होंगे एंड मैंने फॉर्म का भी आपको वहाँ डिटेल में समझा दिया था कि आपको फॉर्म के साथ बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, ठीक है। एंड दूसरा देखिए ये फॉर्म जब हम फाइल करते हैं तो इसमें कुछ फीस जाती है, ठीक है। तो फीस का बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी गवर्नमेंट फीस जाएगी जब आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे। सो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की। तो अगर ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 से कम है तो 200 रुपये जाएगी, एंड 1,00,000 से 5,00,000 की रेंज में मतलब 5,00,000 से कम तो 300 रुपये जाएगी, एंड 5,00,000 से आपकी 25,00,000 से कम है तो आपकी 400 जाएगी, 25 to 99 1 CR से कम है मतलब 500 जाएगी, एंड 1 CR या उससे अबव है तो 600 आपकी। ये नॉर्मल फीस है बेसिकली, ठीक है, मतलब आपने अगर विद इन 180 डेज फाइल किया है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तब तो आपकी ये फीस लगेगी। इसके बाद बेसिकली आते हैं एडिशनल फीस पर। एडिशनल फीस का मतलब है इन केस आपने लेट फाइल किया है, ठीक है,
लेट फाइलिंग के केस में एडिशनल फीस लगेगी, एंड एडिशनल फीस ये होगी अगर देखिए अप टू 30 डेज लेट है तो आपका 2 टाइम ऑफ द नॉर्मल फीस। लेट सपोज 200 रुपये आपकी फीस जाती, या मैं इसको 300 कर लेता हूँ, 300 आपकी फीस जाती है, ये तो होगी फी, मतलब नॉर्मल फीस, ठीक है। प्लस अगर आपका मान लीजिए 15 दिन लेट था, 15 मतलब अप टू 30 डेज हो गया, तो 2 टाइम ऑफ द नॉर्मल फी, मतलब इसका डबल हो गया 600, मतलब ये एडिशनल फीस जाएगी, तो टोटल आपकी जो फीस आएगी वो 900 रुपये आएगी, ठीक है। इनकेस 30 दिन से ज़्यादा है एंड अप टू 60 डेज का लेट है, तो 4 टाइम हो जाएगा लेट फीस का जो पेनल्टी होगी एडिशनल फीस। एंड सेम वे में आपका अगर 60 डेज से ज़्यादा है, 90 डेज तक है, तो 6 टाइम हो गया, एंड 90 डेज से ऊपर है एंड 182 डेज के अंदर है, तो 10 टाइम ऑफ द एडिशनल फीस जाएगी। अगर देखिए मैं मोर देन 180 डेज वाला बात करूँ कि इस केस में कितनी आपकी फ़ी एंड एडिशनल फीस जाएगी, इनकेस 180 डेज से ज़्यादा लेट है, तो देखिए नॉर्मल फीस जाएगी 300, एंड इसके बाद 12 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फी आपकी एडिशनल फीस जाएगी। तो नॉर्मल फीस 300 है एंड 12 टाइम हो गया 3600, तो इट मीन्स टोटल आपको जो पे करनी होगी 3900 फी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी, जिसमें ये नॉर्मल फीस है और ये एडिशनल फीस है, ठीक है। तो ये बेसिकली चालान का है कि कितना आपको पेमेंट करना है। इस फॉर्म को बेसिकली एक बार आप फाइल कर देंगे जो गवर्नमेंट फीस होगी उसको पे करने के बाद, तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग का ही है, ऑटोमेटिकली अप्रूवल है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगा। सो इसका कन्फर्मेशन बेसिकली जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन की होगी अपने फॉर्म में, उस पर आपको ईमेल कन्फर्मेशन मिल जाएगा इसके अप्रूवल का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।